दोस्तों, राम रावण की कहानी तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिसमें वनवास के दौरान रावण छल से माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है। इसके बाद माता सीता को आजाद कराने के लिए प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान सहित वानर सेना के साथ मिलकर रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस कहानी के बीच में आपने कभी रावण की बेटी के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं रावण की बेटी के बारे में ही बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। कहा जाता है कि रावण की एक बेटी थी, जैसे राम भक्त हनुमान से प्रेम हो गया था। कौन थी रावण की बेटी और क्या है उसकी और श्री राम भक्त हनुमान के प्रेम की कहानी, अगर आप भी जानना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और स्नातन के लिए किया जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय साहित्य के 2 प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें से पहला रामायण और दूसरा महाभारत है। हिंदू धर्म में दोनों ही महाकाव्यों का अपना अपना अलग महत्व है, या दोनों ही ग्रंथ भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। हालांकि दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की बात करेंगे। रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रवत एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 5,000 उपखंड और 7 कांड हैं। और ये तो आप में से ज्यादातर लोग को पता ही होगा कि रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, जो कि भगवान श्रीराम के समकालीन थे। और यही वजह है कि श्रीराम के जीवन पर आधारित वाल्मीकि रामायण को ही सबसे सटीक प्रमाण माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वाल्मीकि महर्षि बनने से पहले वास्तव में एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था? लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे इन्हें अपने पापों का एहसास हो गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे सभी काम जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, उन सब का त्याग कर दिया। दरअसल एक बार डाकू रत्नाकर लूटपाट के लिए नारद जी को ही बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद नारद जी ने रत्नाकर का सही मार्गदर्शन किया और उसे राम के नाम का जप करने की सलाह दी। डाकू रत्नाकर नारद जी की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उनके कहने पर राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि उस समय तक डाकू रत्नाकर को ध्यान नहीं था, इस वजह से वह अपने जप में इतना मग्न हो गया कि वह राम राम की जगह मरा मरा का जाप करने लगा। लेकिन रत्नाकर की साधना में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उनका नाम डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें रामायण लिखने की सलाह दी। ब्रह्मदेव से प्रेरणा लेने के बाद वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसार में केवल एकमात्र रामायण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार विश्व में लगभग 300 से अधिक रामायण के प्रकार उपलब्ध हैं, और इसमें से ही 2 ऐसे रामायण भी हैं जिसमें रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। ये रामायण है थाईलैंड की रामी केन रामायण और कंबोडिया की रामीकर रामायण। दोनों ही रामायण में रावण की बेटियों का वर्णन तो है ही, साथ में इनमें रावण की बेटी का हनुमान जी से प्रेम होने का वर्णन भी किया गया है। दोस्तों, थाईलैंड के रामायण को रामकियन कहा जाता है, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्रारंभिक थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम का वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है, और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम का देश था, जिसे 1939 में एक नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत प्रचलित है। यहाँ ईसा के बाद की शुरुआत की शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था।
दोस्तों, रामायण और उससे जुड़े पत्रों में आस्था रखने की वजह से ही थाईलैंड में बंदरों को काफी सम्मान दिया जाता है। यहाँ उनके लिए एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें खास तौर पर बंदरों के लिए दावत सजाई जाती है। इस फेस्टिवल को मंकी बफेट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन थाईलैंड के ऐतिहासिक शहर लोपबुरी में हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को किया जाता है। इस दौरान पूरे शहर में सैडीडीडीएचकों पर टेबल लगाकर तरह तरह के फल रख दिए जाते हैं, जिसे खाने के लिए हजारों बंदर वहां इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बंदरों से इतने लगाव के पीछे की वजह हनुमान है। लोग मानते हैं कि भगवान हनुमान इन बंदरों के रूप में धरती पर आज भी जीवित हैं। उनकी पूजा से सुख समृद्धि बढ़ती है। आज ये फेस्टिवल आस्था के साथ साथ शहर की इकोनॉमी के लिए भी खास है, क्योंकि हजारों की संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रामायण की, तो इसे रीमेक का कहा जाता है। यहाँ के लोगों के बीच यह रामकर्ती के नाम से भी फेमस है। दोस्तों, राम एकिन और रीमेनकर दोनों ही रामायण में रावण का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि रावण की 3 पत्नियां थीं, जिससे रावण को 7 बेटे प्राप्त हुए। इनमें रावण की जो सबसे पहली पत्नी थी, उसका नाम मंदोदरी था। मंदोदरी से रावण को 2 बेटे प्राप्त हुए, जिनका नाम मेघनाद और अक्षय कुमार था। वहीं रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। धन्यमालिनी से रावण को अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे मिले थे। और तीसरी पत्नी से रावण को परास्त नारांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे प्राप्त हुए थे। और इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इन दोनों ही रामायण में इस बात का साफ उल्लेख है कि रावण के साथ बेटों के अलावा एक बेटी थी, जिसका नाम सुवर्ण मत्स्य था। दोस्तों, इन दोनों ही रामायण में सुवर्ण मत्स्य की सुंदरता का खास वर्णन किया गया है, जिसके मुताबिक दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य देखने में इतनी सुंदर थी कि उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उसे स्वर्ण मंशा कहकर भी पुकारा जाता था। स्वर्ण मंशा का मतलब है सोने की मछली। दोस्तों, यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन के लोग ड्रैगन को पूजते हैं। वैसे थाईलैंड में कुछ खास जगहों पर स्वर्ण मंशा को ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। हालांकि इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये बात भी साफ है, ये दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में ना तो राम बदले हैं और ना ही रावण। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के उद्देश्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अगर रामकीन और राममेकर रामायण दोनों में ही रावण की बेटी स्वर्ण नक्षा का वर्णन है, तो कहीं ना कहीं यह बात सच साबित होती है। अगर बात करें स्वर्ण मंशा के राम भक्त हनुमान से प्रेम की रामकीन और रामेकर रामायण में इसकी भी कहानी दी गई है, जिसके मुताबिक जब लंका पहुंचने के लिए नल और नील की मदद से सेतु बनाया जा रहा था, तब रावण ने अपनी स्वर्ण मंशा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। इसलिए जब भी हनुमान जी और बानर सेना समुद्र में सेतु बनाने के लिए पत्थर फेंकते, तो वो पत्थर समुद्र की सतह पर तैरने की जगह पानी के अंदर चले जाते हैं। जब हनुमान जी ने ये देखा, तो इस घटना का पता लगाने के लिए आखिर ये चट्टान कहां गायब हो रही है, इसके लिए समुद्र में उतरते हैं। समुद्र के नीचे पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि राम सेतु बनाने के लिए जो पत्थर और चट्टान समुद्र में फेंके जा रहा था, उसे पानी में रहने वाले विशाल जीव कहीं उठा कर ले जा रहे थे, इसका पता लगाने के लिए कि चट्टान कहां जा रही है। हनुमान जी ने उन जीवों का पीछा किया। आगे जाकर हनुमान जी देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या के आदेश पर ये सभी काम हो रहे थे। रामकेन और रामेकर रामायण के अनुसार उस वक्त स्वर्ण मंशा की आंखें हनुमान जी से टकरा जाती हैं और वहीं पर उसे हनुमान जी से प्रेम हो जाता है। और इधर हनुमान जी भी स्वर्ण मंशा को देखकर उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं। इसके बाद हनुमान जी स्वर्ण मक्का से पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं। इस पर स्वर्ण मंशा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं रावण की बेटी हूँ। अब यहाँ हनुमान जी स्वर्ण मंशा को समझाते हैं
कि तुम्हारे पिता ने अधर्म किया है और अगर तुम उनका साथ देती हो तो तुम भी अधर्मी कहलाओगी। हनुमान जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्वर्ण मक्का सभी चट्टानों ने लौटा देती है और इस तरह स्वर्ण मंशा के सहयोग से राम सेतु बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से रावण की बेटी के बारे में जानकारी थी? नहीं ना? तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।